हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओमान फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग हम। तो फ्रेंड्स, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे भी डॉक्टर को दिखाना पड़ा। मुझे इन दिनों में अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, और डॉक्टर ने दे दिया इतनी सारी दवाइयाँ, पता नहीं कौन कौन सा इनहेलर दिया है। फ्रेंड्स, अब हमें निकलना है संगरूर के लिए, बस पकड़नी है। तो आज हम बस स्टैंड नहीं आए, हम आए हैं समाना चुंगी पर। हम यहाँ से संगरूर के लिए बस पकड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम घर आ चुके हैं। आज बस बहुत देर से मिली क्योंकि आज भीड़ बहुत थी, सभी बसें भरी हुई आ रही थी। और आपको पता ही है, पीआरटीसी में वुमेंस की और लड़कियों की सीट फ्री है, वैसे ही भीड़ रहती है। तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम आते हुए लेट हो गए। हमें करीब 1.5 घंटा वहीं वेट करना पड़ा बस के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मम्मी आपके साथ शेयर करेंगे हरे धनिए की चटनी। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी। आज हम बना रहे हैं हरे धनिए की चटनी। उसके लिए हमने लिया है हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन। अब हम इसको साफ कर लेंगे। धनिया संवार लिया मैंने, मिर्च और लहसुन भी साफ कर लिया, लहसुन छील लिया। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। हरी मिर्च, धनिया और लहसुन अच्छे से धोने के बाद हम इसको मिक्सी के जार में डाल रहे हैं। जार को अच्छी तरह से टाइट बंद कर लें। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपने स्वाद के हिसाब से नमक। नमक डालने के बाद मिक्सी के जार को टाइट बंद कर लीजिए।
हमारी हरे धनिए की चटनी बनकर तैयार है। अब आप इसको राइस या रोटी के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हरे धनिए की चटनी कैसे लगी। और आज का व्लॉग मैं यही एंड करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।